हाय फ्रेंड्स, ये बी पी सी एल 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास के 10 मिनट शो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज तारीख है 21 सितंबर 2023 और आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज आपको करंट अफेयर की 10 मिनट शो में बहुत ही चुनिंदा इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। हमारा वीडियो प्रतिदिन सुबह 5 बजे आ जाता है, जुड़िए चैनल से और करंट अफेयर तैयार कीजिए। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे चैनल से पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और आपको हमारे सभी पीडीएफ यहां से मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। हमारे वीडियो का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। आज का पहला क्वेश्चन है, आवासीय मुद्रा क्रिप्टो करेंसी के जनक कौन है? सीतोशी नाकामोटा, एस श्रीनिवास, दीपक मलिक, उदय कुमार। यहाँ जो दिखाई गए ये क्रिप्टो करेंसी है और इसको आवासीय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। यहाँ दिया गया है आवासीय मुद्रा या कूट मुद्रा क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। यह पीयर टू पीयर कैश सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 2021 में $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन थी और 2009 में सीतोशी नाकामोटा नामक व्यक्ति ने इसको सबसे पहले बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC का अन्य नाम क्या है? देवभूमि, मंडपम भूमि, सिद्ध भूमि, यशो भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यशो भूमि के नाम से IICC को जाना जाएगा और ये नई दिल्ली के द्वारका में भारत मंडपम से भी बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए CEO कौन बने, ठीक है ना, या किसे बनाया गया, कौन बने हैं, ठीक है। हरजिंदर सिंह, अजय बंगा, सतीश धनखड़ या शिवराम। राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। ये अजय बंगा जी हैं, ये भारत के हैं और अमेरिका की नागरिकता लिए हैं और इन्होंने विश्व बैंक में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बनने जा रही दादा साहब फाल्के पर एक नई मेड इन इंडिया मूवी जिसके निर्देशक कौन होंगे? SS राजमौली, नितिन कक्कड़, अमिताभ बच्चन या फिर सभी। राइट आंसर होगा नितिन कक्कड़। नितिन कक्कड़ जो है दादा साहेब फाल्के हैं। दादा साहेब फाल्के पर मेड इन इंडिया नामक ये मूवी जो बन रही है इसका निर्देशन करेंगे यहीं SS राजमौली ने आपकी बाहुबली जैसी मूवी का निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 बार ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल किस देश से संबंध रखते हैं? जापान, थाईलैंड, बीजिंग या स्पेन। राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। ये स्पेन देश जो है ये आपका बुल फाइटिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, याद रखना, ठीक है ना, ने हाल ही में किस ग्रैंड स्लैम को जीता? 24वां US ओपन, 22वां US ओपन, 10वां US ओपन या फिर 25वां US ओपन।
याद रखना नोवाक जोकोविच ने अभी 2023 का, ठीक है, 2023 का ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और ये इनका 24वां था जो कि यूएस ओपन में हुआ है। ये ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल होता है जो घास के मैदानों पर खेला जाता है, ठीक है, टेनिस का खेल होता है जो घास के मैदानों पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 24 यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोटोटाइप विमान एयर टैक्सी किस देश ने सफल परीक्षण किया, बीजिंग, श्रीलंका, कैलिफोर्निया या भारत। राइट आंसर हो जाएगा इसका कैलिफोर्निया। यहाँ जो ये दिखाया गया है विमान, इसको हम एयर टैक्सी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व का पहला शिक्षा उपग्रह एडुसेट, ठीक है ना, यह इसका दूसरा नाम है जीसेट 3, कब लॉन्च किया था, 2004, 2005, 2006 या 2007। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004। 2004 में भारत ने विश्व में सबसे पहला अपना शिक्षा से संबंधित सैटेलाइट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है, मनामा, ओटावा, नूर सुल्तान या स्टॉकहोम। याद रखना कनाडा की राजधानी जो है ये ओटावा पड़ती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, मोल, जूल, कैंडेला या फिर एम्पियर। ध्यान देना ये आपकी धारा की इकाई है, ठीक है ना, एम्पियर जो है ये धारा की इकाई है, कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता की इकाई है, ठीक है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स ज्योति तीव्रता की इकाई है, जबकि जूल है ये आपकी ऊर्जा की इकाई होती है। यहाँ पर ज्योति तीव्रता की इकाई पूछी गई है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा आज का वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो, अनुमति चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।